गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धाचलम लेबोरेटरी। चलिए आज हम आपको बताते हैं हाउ टू राइट अ गुड पेपर फॉर पब्लिकेशन। मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मैम हमने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, हमने फॉर एग्जांपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे वर्क किया है, हमने पोस्ट गाइड बनाया है, या हमारे डेटा, हमारे पास सारे डेटा हैं लाइक एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटेशनल सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारा जो आर्टिकल है एक अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? या कई बार ये होता है कि बहुत अच्छा डेटा होने के बाद भी वो बहुत सिंपल से जर्नल में पेपर पब्लिश करा के निकल जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हाउ टू राइट अ गुड पेपर फॉर अ पब्लिकेशन। तो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए बिफोर आर्टिकल राइटिंग, क्योंकि आप अगर PhD कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली हैं कि आपके जो चार या पांच जितने भी आप पेपर्स का काम कर रहे हैं थीसिस में, सारे ही लगभग सेम होंगे, तो कंटेंट विल बी ऑलवेज सेम, बट आपके सारे पेपर अलग अलग जर्नल में पब्लिश होते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जब आप पेपर लिखना शुरू करें तो सबसे पहले देखें कि आप किस जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं, क्या आपका जो काम है उस जर्नल के स्कोप एंड एम में आ रहा है कि नहीं, एंड इफ़ यस तो आप उस जर्नल के सारे गाइडलाइन चेक कीजिए, उनकी वर्ड लिमिट्स, उनका उनके पेपर्स में इमेज कैसे होने चाहिए, उनका आर्टिकल राइटिंग किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है, आप सब कुछ चेक कीजिए, देन स्टार्ट योर राइटिंग एज पर दैट जर्नल। ठीक है, तो ये जो टर्म होता है ना गुड पेपर, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। गुड पेपर वो होता है जो एक अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाए, क्योंकि आपके काम का मेन मोटो ये होता है कि आप उस काम को पब्लिश करवा लें एक बहुत अच्छे आर्टिकल में। तो आप जब भी आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं तो ये देखिए कि आप किस जर्नल के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं और क्या आपका जो काम है वो उस जर्नल में सूटेबल है कि नहीं। इफ़ यस तो आप अपना आर्टिकल लिखना शुरू कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।